हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो ये ब्लॉग मैंने पिछले ब्लॉग से कंटिन्यू किया है। आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, मम्मी पापा घर पे आए हुए हैं। तो ये मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, पापा अपना न्यूज़ देख रहे हैं उठते ही और हम अपना मॉर्निंग भी ले रहे हैं। ये देखिए, मम्मी जी गाने का ये फ़ायदा होता है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। हम होते तो पराठा या चाय कुछ भी खा के अपना टाइम पास कर लेते। क्या बना रहे हो मम्मी जी? शान मास की रोटी। मतलब हमारे यहाँ तो बस दाल की रोटी। चलो अच्छा है, कुछ नया ब्रेकफास्ट मिलेगा। चाय चाप मेरी मम्मी को बनाई थी और ब्रेकफास्ट से ही तो सिर्फ अभी तो लंच भी होगा, फिर स्नैक्स में क्या बनाएंगे पता नहीं, ये थकती नहीं है खाना बनाते बनाते। चलो एंजॉय करते। और फिर हम चल दिए मार्केट। मम्मी पापा को सामान लेना था मार्केट से, जैसे कि आपको पता है खुर्जा इस फेमस फॉर पॉटरी, तो हम लेके गए इनको सबसे पहले पॉटरी। क्योंकि अगर आप खुर्जा आते हो और खुर्जा आकर भी अगर पॉटरी परचेज नहीं करते हो तो फिर आपका खुर्जा आना बेकार है, इसीलिए हम सबसे पॉपुलर प्लेस पर इनको लेके गए। मार्केट में हमें 2 से 3 घंटे लग चुके थे और सब लौट कर आए तो थक चुके थे बहुत ज़्यादा, तो सभी की एनर्जी बूस्ट करने के लिए फिर मैंने उनके लिए बनाना शेक बनाया। और जब मैं बनाना शेक बना रहा था, मम्मी जी बार बार परेशान हो रही थी कि बेटा मत करो ये, हमें नहीं पीना, आप भी आराम करो, आप भी थके हुए हो। मैंने कहा नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम सब बनाना शेक पियेंगे और मैं और आप रील्स बनाएंगे, तब तक आप ऐसा करो तैयार हो जाओ। बस फिर क्या देर थी, फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, सीधे गई तैयार होने और तब तक मैंने बनाना शेक बना दिया। मम्मी जी आज मम्मी जी कैमरा मैन का रोल प्ले कर रही है। मैंने कहा कि हमेशा आप ही बनाते रहते हो, आज मैं वीडियो बनाऊंगी। जस्ट कैमरे के पीछे मम्मी जी है, मम्मी जी का शेयर। चीयर्स, आओ बैठो, आ जाओ आज। गाइस आज मम्मी ने छोले भटूरे बनाए, कैमरा मैन जैसे कि पीछे अभी बताया था मम्मी का, आज मैं सारी वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। अभी गर्मा गर्म भटूरे बनाए हैं मम्मी ने, रायता छोले अचार तो घर में ही है, मज़ा आ रहा है, एकदम रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आ रही है मम्मी जी के आने से। थैंक यू सो मच मम्मी जी, अब आप भी आ जाओ और आप भी खा लो। मम्मी जी को बस कपड़े धोने होते, मैं स्कूल से आया देखा तो जो धुले हुए कपड़े वो भी धो दिए, कुछ कुछ मैंने अगर एक बार पहने तो वो भी धो दिए। हम फिर से वहीं जा रहे हैं जहाँ से कल आए थे, 2 दिन का प्रोग्राम था, कल जागरण था, आज पार्टी है, तो आज हम पार्टी में जा रहे हैं। ये पहुंच चुके हैं हम रॉयल रिजॉर्ट। लास्ट टाइम यहाँ पर अभी जागरण था जो कि कल था ब्लॉग के अकॉर्डिंग, जो लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था, और आज
पूरी पार्टी है। लेकिन आपको पता है कहीं भी जाओ जब तक 3-4 हज़ार फ़ोटो ना खींच दो तब तक कैसे इन लोगों का काम चलता है। मैं तो अपनी ड्यूटी पे आ गया, फिर फ़ोटोज़ क्लिक किए इनके। जैसे वीडियो में दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था अरेंजमेंट, नो डाउट बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था इन लोगों ने। और अभी ये कोई मेरे स्कूल का स्टूडेंट है, ये भी वहाँ आया हुआ था, तो बहुत ही अच्छा था, नो डाउट मज़ा आया। मम्मी जी ने तो थोड़ा बहुत खाया वरना अदरवाइज डांस देखा, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ डांस देखना। और एक और चीज़ थी जो ये बाबी डॉल, ये रियल थी बात, पहले मुझे सिर्फ एक डॉल लगी लेकिन ये एक्चुअल में रियल थी। हमारे स्टूडेंट्स ये पता नहीं मेरे साथ होता है, आप सभी के साथ भी होता हो शायद, जब भी किसी अच्छी पार्टी में जाओ पता नहीं भूख क्यों नहीं लगती, फिर ऐसा लगता पेट भरा हुआ है, मन नहीं करता, सिर्फ जूस पिया, मैंने ज्यादा कुछ खाया नहीं। मिस किया यार, बहुत जल्दी थी ना घर जाने की, सोचो सिर्फ ये शादी नहीं है, ये कोई शादी नहीं है। हाँ मम्मी कह रही है निकिया, अरे ये शादी नहीं है, सिर्फ कान से रही, शादी होती तो क्या होता। हम लोग ज़्यादातर जूस ही पी रहे थे, पता नहीं क्यों मन नहीं करता था खाने का, बहुत ही कम भूख लग रही थी, ऐसी जगह पर जाकर हो जाता है और फिर बाद में लगता है क्यों नहीं खाया। काफ़ी देर घूमने के बाद फिर हम तीनों ने डिसाइड किया कि चलो थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, हमने थोड़ा सा खाना लिया और फिर खाया, कहीं ऐसा ना हो कि घर जाए और तुरंत भूख लग जाए, फिर हमने थोड़ा सा खाना खाया। ये भैया जो स्टेज पर डांस कर रहे हैं रेड टी शर्ट में, ये बाद में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए सभी का। इन्होंने गाना चलाया देवा श्री गणेशा, ऐसी पार्टी में जहाँ पर अचानक से एक भगवान का गाना चला और उसके बाद उन्होंने जो एनर्जी से डांस किया, हाय हाय देखने लायक था, सभी ने बहुत प्रेज किया। ये हमारी मम्मी जी बिटोला रस्म करते हुए, इनको इनके गिफ्ट प्लस एनवलप मिला है। कैमरामैन के लिए कुछ नहीं है? अरे वाह, ये पहले से प्लान किया हुआ था क्या? अरे जी ये तो सच में मुझे नहीं पता था। अरे रे थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। क्या बात है, अच्छा बहुत प्यारा, थैंक यू मम्मी जी। अरे मैं तो ऐसे ही बोलने वाला था, कह रहे क्या बात है मम्मी जी अपनी बेटी से प्यार है, जमाई से प्यार नहीं है क्या? तो बेटी को लेके जाओ। आपका जमाई और खुश रहेगा।
थैंक यू सो मच मम्मी, आते रहा करो ना, जैसे भिटोला रस्म हो, आप गाना गाना शुरू कर दो। गाते हैं, ये हमारी भिटोला रस्म हो रही है। पापा कह रहे मम्मी जी का नाक से लेकर वहां तक लगाओ। और फिर मम्मी पापा के जाने का समय, उनको बस छोड़ने का एक मम्मी बैठ जाओ स्टार्ट हो गई। इनका इनका रोना मैंडेटरी है। बाय। तो मेरा व्लॉग ये यही एंड होता है। ये हैं भाभी जी जिन्होंने ये बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, और इसमें मैंने इस व्लॉग में मम्मी पापा आए थे उनके बारे में भी दिखाया। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में आएगा आपका नवरात्रि पर, क्योंकि मैं बैठ के जो ये व्लॉग बना रहा हूँ तो नेक्स्ट डे नवरात्रि है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।